स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमेटेड लीगल केसेस में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जानेंगे एयर इंडिया को क्यों $1.2 बिलियन का कंपेंसेशन देना पड़ेगा यूके की एक कंपनी को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये केरिन कंपनी और एयर इंडिया के बीच डिस्प्यूट भले ही मैंने लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में जो केरिन कंपनी है इसका डिस्प्यूट एयर इंडिया से नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट से है। और इंडियन गवर्नमेंट और केरिन कंपनी का जो डिस्प्यूट है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट को लेकर है, जिसे हम आगे के इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव डिस्प्यूट क्या है और कैसे रिलेटेड है। एयर इंडिया का इसमें कोई रोल ही नहीं है, लेकिन केरिन कंपनी ने अपने एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जो इसने जीता था इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो इन्फोर्स कराने के लिए इसने कि एयर इंडिया को यहाँ पे सू कर दिया है, और सू किया है न्यूयॉर्क में जहाँ पे इसका मेन एजेंसी है। तो सबसे पहले जानेंगे ये क्यों किया, इसके भी केरिन कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ऐसा क्या डिस्प्यूट हुआ था। तो बेसिकली उनके और इंडियन गवर्नमेंट के बीच जो डिस्प्यूट होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट को लेकर था। तो 2006 में जो है केरिन एनर्जी नाम की जो कंपनी थी उसने क्या किया था, उसने शेयर्स जो थे उसके इंडिया में, केरिन यूके जो था कंपनी, उसने अपने इंडियन शेयर्स जो थे उसने ट्रांसफ़र कर दिए केरिन इंडिया लिमिटेड कंपनी नाम बना के। और ये केरिन इंडिया लिमिटेड कंपनी इंडिया ही में था, उन्होंने इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया और शेयर्स जितने भी थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम केयर इंडिया होल्डिंग से और केयर इंडिया लिमिटेड में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो बेसिकली टोटल फैक्ट ऑफ द केस यही था, इन्होंने क्या किया, जो यूके की कंपनी थी उसने क्या किया, एक होल्डिंग कंपनी जो शेयर था उसमें से शेयर्स को उठा के, अपने ही होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को उठा के केरिन इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिया था और उसको उसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। तो अब जानते हो उसके बाद कैसे डिस्प्यूट हुआ। तो उसी बात को लेकर जो ये 2006 में ट्रांजेक्शन हुआ था, टैक्स अथॉरिटीज़ जो थी इंडिया की, उन्होंने कहा कि ये जो है इन्होंने कैपिटल गेन किया है, जो केरिन इंडिया यूके कंपनी है उन्होंने कैपिटल गेन किया है ऑफ ओवर ₹6,000 करोड़ का। तो बेसिकली डिस्प्यूट यही था कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा इनके इनको कंपनसेट करना पड़ेगा जो इन्होंने कैपिटल गेन किया है ओवर 6,000 करोड़। तो इसी बात को लेकर ये फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया, कहाँ गया ये भी हम बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दूँ, इसी तरह का एक सिमिलर केस जो था 2012 में भी आया था बिटवीन वोडाफोन केस, जो वोडाफोन पे एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्या कहते हैं, दैट देयर ट्रांजैक्शन डिड नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन। तो उस समय जो इसी तरह का फैक्ट हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वोडाफोन का केस था उस केस में वोडाफोन जो है का जो ट्रांजैक्शन था वो अट्रैक्ट नहीं किया था कैपिटल गेन को लेकर, जिसके बाद 2012 में एक अमेंडमेंट किया गया इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। पहले उसको पढ़ेंगे थोड़ा ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि क्या है। एंड जो 2012 में सेक्शन 2 क्लॉज 14 में इनकम टैक्स एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था वो बेसिकली क्लेरिफाई करता था कि एन एसेट और कैपिटल एसेट बीइंग एनी शेयर और इंटरेस्ट इन ए कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू बी हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया इफ द शेयर और इंटरेस्ट डिराइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू Substantially located in India, और इसे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के फॉर्म में इन्फोर्स कराया गया था अमेंडमेंट के बाद। तो बेसिकली क्या था, ये कहता था ये अमेंडमेंट, ये कहता है कोई भी कंपनी या फिर जिसका एसेट इंडिया में है या फिर इंडिया से बाहर एसेट है, लेकिन अगर वो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर रही है और जो है उसका जो है शेयर या फिर कोई भी इंटरेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका शेयर का वैल्यू या उसके एसेट का वैल्यू जो है जो लोकेटेड इन इंडिया है उस पर इफेक्ट लाएगा, तो उस कंपनी को ये नहीं माना जाएगा कि वो बाहर की कंपनी यूके में है, उसको ये माना जाएगा कि वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भले ही है लेकिन उसको माना जाएगा कि वो यहीं की कंपनी है और वो यहीं काम कर रही है। और इसी लॉ को इन्फोर्स कराने के बाद 2012 में इसे रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव ये होता है कि लॉ आने के पहले वाले जो कुछ केसेस डिसाइड हुए उनके ऊपर भी ये फॉलो कर, ये रेट्रोस्पेक्टिव पीछे के केसेस को में भी फॉलो करेगा ये लॉ इन्फोर्स होने से पहले। तो आगे जानते क्या हुआ था। तो केयर्न जो कंपनी थी इस जो फिर इसके बाद जो है डिस्प्यूट हुआ बिटवीन यूके इंडिया,
तो केयर्न ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था, जो ये लॉ 2012 का अमेंडमेंट करने के बाद कहा लाया गया है, वो जो है फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, जो इनका प्रिंसिपल था फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, जो कि यूके इंडिया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में साइन हुआ था, वो वायलेट करती है। ये केयर्न का आर्ग्यूमेंट था। तो फिर दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बीच ये मामला गया, जिसमें 3 मेंबर ट्रिब्यूनल बैठी थी, और उसने रूल ये किया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ब्रीच किया हुआ है ऑफ गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, जो कि ट्रीटी था बिटवीन इंडिया एंड यूके, और इसी वजह से इनको जो है केयर्न कंपनी को, इंडियन गवर्नमेंट को केयर्न कंपनी को $1.2 बिलियन का एज ए कंपेंसेशन देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं $1.2 बिलियन का एज ए कंपेंसेशन को दे। एग्जैक्ट मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट वॉज इन ब्रीच ऑफ गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड इट शुड पे $1.2 बिलियन एज कंपेंसेशन। ये दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का 3 मेंबर ट्रिब्यूनल डिसाइड किया था। टू इन इसी अवार्ड को जो है इन्फोर्स कराने के लिए केयर्न कंपनी जो है उसने साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में एयर इंडिया के खिलाफ एक केस दाखिल किया कि उन्हें ये जो $1.2 बिलियन का कंपेंसेशन है उनको मिल जाए। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो इंडिया ने जो है इस डिस्प्यूट का डिसीजन जब आया है, तो उसके बाद से इंडिया ने जो है इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को नीदरलैंड में चैलेंज किया हुआ है। देख सकते हैं नीदरलैंड में इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन केयर्न जो है उन्होंने इन्फोर्स कराने के लिए उस आर्बिट्रल अवार्ड को केस दाखिल कर दिया है। और केयर्न का मेन आर्ग्यूमेंट ये भी है कि एयर इंडिया जो है इज़ द एल्टर ईगो ऑफ इंडिया एंड शुड बी जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया डेब्ट्स इंक्लूडिंग दोज अराइजिंग फ्रॉम जजमेंट। तो ओवरऑल केयर्न का मेन आर्ग्यूमेंट ये कहना चाहती है कि एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है और उसमें मैक्सिमम स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसी तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से लाइबल है उसी तरह एयर इंडिया को लाइबल बना दिया गया है केयर्न के थ्रू, ताकि जो है वो कंपेंसेशन अमाउंट ले सके। एयर इंडिया का मैक्सिमम एसेट न्यूयॉर्क वगैरह में है, इसी वजह से उस ऑर्डर जो है इनको इन्फोर्स कराने के लिए, जिसमें 1.2 बिलियन कंपेंसेशन इनको लेना है, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए इन्होंने एयर इंडिया को टारगेट किया। तो ओवरऑल आप बहुत ही आसानी से समझ भी गए होंगे कि एयर इंडिया को इन्होंने क्यों टारगेट किया हुआ। द एयर केयर्न कंपनी ने एक जजमेंट को भी साइड किया, जो कि 1983 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यूएस वर्डिक्ट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जिस जजमेंट में ये कहा गया था कि जो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के हिसाब से फॉर एनी एजेंट प्रिंसिपल विल बी लायबल। तो उसी तरह से प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एजेंट क्या है, एयर इंडिया, जो इनकी वर्क करती है न्यूयॉर्क वगैरह कई जगह में, और उसके कई जगह एसेट है, तो वो एसेट को अल्टीमेट सीज करके अपना पैसा जो है, जो फाइन है, जो कंपनसेशन है, वो निकलवाना चाहती है ओवरऑल केयर्न कंपनी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।